अपने संगठन तंत्र को मजबूत बना करके सभी में उस परमात्मा की ज्योति है, शक्ति है, सब उसी के ही मूर्त रूप हैं और सब मिल करके इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करें। देखो, आपको अपने पिता से जो परंपरा से संपत्ति मिली है, जमीन जायदाद मकान, उसके ऊपर किसी और का कब्जा होने देते हो? जो संपत्ति आपको अपने माता पिता से मिली, परंपरा से मिली, उस संपत्ति पर किसका अधिकार मानते हो? अपना, खुद का। और उस माता पिता की संपत्ति पर, माता पिता की साम्राज्य पर किसी दूसरे का कब्जा होने नहीं देते। ये तो भौतिक संपत्ति हुई तुम्हारी, ये तो भौतिक माता पिता हुए। हम सब उस ईश्वर की संतान हैं और ये भगवान का सारा साम्राज्य, इसके ऊपर हम भगवान का ही आधिपत्य देखना चाहते हैं। बेईमानों का नहीं, शैतान का नहीं, झूठ का नहीं। ये है ध्यान योग का अभ्यास करने वाले साधक के जीवन का व्यवहारिक स्वरूप। मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। और जैसा एक ईश्वर की संतान का आचरण होना चाहिए, उसका ज्ञान, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, स्वभाव होना चाहिए, वैसा ही ज्ञान, वैसी वाणी, वैसा ही आहार, वैसा ही विचार, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही आचरण मेरा रहेगा। इस भाव के साथ आपको प्रतिपल उच्च चेतना में जीना है। ध्यान योग का अभ्यास करने से आपको यह लाभ होगा कि आपके माध्यम से वो ईश्वरीय शक्ति काम करने लगेगी। ये तो सत्य ही है कि दिमाग में सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? ईश्वर, परमात्मा, भगवान। आंखों में देखने की शक्ति कौन दे रहा है? वो ईश्वर, परमात्मा। कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की, हाथों में काम करने की शक्ति, वो सब परमात्मा दे रहा है। हम सब निमित्त मात्र हैं। हम सब क्या हैं? निमित्त मात्र। और अब सबको उस ईश्वरीय शक्ति का निमित्त बन करके, भगवान का यंत्र बन करके, उसका सच्चा प्रतिनिधि बन करके, मैं बार बार कहता हूं ना, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूं, सत्य का, धर्म का, न्याय का प्रतिनिधि हूं, गुरु का प्रतिनिधि हूं। मैं तो स्वयं को ऐसे ही अनुभव करता, और आपको भी अपने ही जैसा अनुभव करता हूं। यदि गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो मैंने आपके भीतर अपने ही स्वरूप को देखा है, मैंने आपके भीतर अपने ऋषियों के ही स्वरूप को देखा है, और आपके भीतर उस भगवान के मूर्त रूप को देखा है, और आपके जीवन को उतना ही ऊंचा देखना चाहता हूं। और इस भाव में आप 24 घंटे बने रहें, आपकी निष्ठा, आपकी दिव्यता, आपकी ये भगवत्ता एक क्षण के लिए भी टूटे नहीं, छूटे नहीं, अखंड बनी रहे आपकी भगवत्ता, इसके लिए बार बार सत्संग करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान राम जी का शरीर अपने ही जैसा था या कुछ और विशेष था? कैसा था? भगवान कृष्ण जी का भी शरीर कैसा था? भगवान शिव का भी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का भी, भगवान बुद्ध और महावीर का भी, और जितने भी वीर वीरांगनाएं, ऋषि शिकाई हूं, उनका भी शरीर कैसा था? उनके भीतर भी सामर्थ्य कैसा था? उनके भीतर भी बुद्धि कैसी थी? फिर वो कैसे महान बन गए? उन्होंने अपनी महानता को पहचान लिया, हम अपनी उस महानता से पूरे परिचित नहीं हो पाए, उसको जागृत नहीं कर पाए। ऐसी पूर्ण जागृत, ऐसी पूर्ण समर्थ, ऐसी पूर्ण प्रकाशित आत्माएं जो स्वयं जागृत, प्रकाशित और समर्थ होकर के इस पूरी दुनिया में प्रकाश फैला दें, इस रूप में मैं आपको देखना चाहता हूं। और आपको ऐसा ही बनना, ऐसा ही होना, और वही अपना गंतव्य है। आपके भीतर अपरिमित सामर्थ्य, इसको मैं बार बार कहता हूं ना, हर मानव में महामानव होने का
सामर्थ्य है, हर पुरुष में महापुरुष होने का सामर्थ्य, हर नर में उस नारायण की शक्ति है। योग का यही उद्देश्य है। ये बात बहुत ज्यादा समझ में भी ना आए तो एक काम जरूर कर लो, जिंदगी में एक पक्का नियम बना लो कि मैं सुबह उठ करके 1 से 2 घंटे योगाभ्यास अवश्य करूंगा और दिन भर अपने दायित्व का धर्म मान करके पालन करूंगा। चाहे वो कृषि कर्म है, चाहे व्यापार कर्म है, चाहे वो परिवार का कोई कर्म है, धर्म है, वो सब मेरे लिए भगवान की आराधना है। स्व कर्मणोत्तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवाः, स्वे स्वे कर्मणि अविरताः संसिद्धिम लभते नरः। जीवन को दो शब्दों में समझना हो तो एक है योग और दूसरा है कर्मयोग। जीवन को दो शब्दों में समझना हो तो क्या है? योग और सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्मयोग करो, बस। ये दो बातें, ये दो शब्द जिसको समझ में आ गए उसको पूरा जीवन समझ में आ जाएगा, और जिसको ये दो शब्द समझ में नहीं आए फिर वो ऐसे ही भटकता रहेगा। आज मैं इसलिए जम्मू कश्मीर में आया हूं कि अब पिछले 20 साल से ज्यादा का समय हो गया इस देश को मैं जगाता रहा। जब घर से निकला था तब मैं अकेला था, जब मैं गुरुकुल में आया तो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ और भी पागल हैं। पहले मैं सोचता था मैं अकेला ही पागल हूं। आप सोचो 15-16 साल की उम्र में माता पिता को छोड़कर के, घर परिवार को छोड़कर के, कभी बाहर ना निकले हो, कभी बस में नहीं बैठे, कभी ट्रेन में नहीं बैठे, और मैं जिस गांव में पैदा हुआ था उस गांव में आज तक भी कोई सरकारी बस और 25-30 किलोमीटर तक कोई ट्रेन दिखती ही नहीं है। जिस माँ ने मुझे पैदा किया वो अभी कुछ दिन पहले मेरे से मिली तो बोले बेटा एक बार वो ट्रेन में बैठा दे। मैंने कहा उसमें बैठ के क्या करेगी? बोले उसमें वो छुक छुक सुनूंगी उसकी। जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसमें कोई सरकारी बस नहीं जाती थी, कोई ट्रेन भी नहीं जाती थी, प्लेन तो सोच नहीं सकते थे। हाँ शाम के समय एक हवाई जहाज गांव के ऊपर से जाता था, तब लोग कहते थे भाई ये टाइम हो गया, ऊपर से चील गाड़ी जा रही है। हवाई जहाज नहीं समझते हो, चील गाड़ी चील की तरह चलती। अब तो आजकल तो चील भी खत्म हो गए। वहां से मैं पैदा होकर के आया, जब मैं घर से चला था तब मैं सोचता था मैं अकेला हूं, लेकिन गुरुकुल में आया तो कुछ साथी मिले, श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी मिले, फिर बाद में और दूसरे मित्र मेरे, स्वामी मुक्तानंद जी, आचार्य कर्मवीर जी, और फिर जब मैं सेवा के लिए निकला तब पहले 2, फिर 100, फिर 1000, और अब तो मैंने देखा अब मेरे 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 2,00,000,000 हाथ मेरे साथ। और यहां पर भी बैठे हुए कितने भाई बहनों के हाथ मेरे साथ हैं और मेरे ही हाथ हैं। बोले भारत माता की, अखंड भारत की, वंदे वंदे। तो कौन कहता है तू अकेला है? कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अजी देश में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदलेगा। अरे पगले जरा आंख खोल, अपने विराट स्वरूप को देख। तू स्वयं राम, तू स्वयं कृष्ण, तू स्वयं शिव है। भीतर की आंख खोल, तेरे भीतर ही तीसरी आंख जो ज्ञान की आंख है। अज्ञान के कारण से ये सारा संसार का दुख है। अज्ञान बोलो, अविवेक बोलो, ना समझी बोलो, भय बोलो, भ्रांति बोलो, सारी दिक्कत इसी बात की। इसलिए मैं कहता हूं संगठन में एक समझदार कार्यकर्ता मिल जाए, एक समझदार कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता जो समझदार होता है, वो जिम्मेदार भी होता है, वो प्रेम और कृतज्ञता से सबको साथ में लेकर के मेहनत करता है। अब जैसे
जम्मू कश्मीर में भाई बंसी जी की बंसी ठीक बज रही है तो सारे संगठन में खूब बढ़िया उत्साह।